मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इमरान द बाइकर वंस अगेन। तो आज एक थोड़ा एडवेंचर, मैंने जब से एडवेंचर बाइक लिया है एक्सपल्स को तब से मन बहुत ही कर रहा है कि एक एडवेंचर ट्रेल पे जाए। तो लगभग दोस्त बहुत सारे दोस्तों के पास है एडवेंचर बाइक, मगर वो लोग एडवेंचर बाइक से रोड राइड के लिए रखते हैं, कोई एडवेंचर ट्रेल के लिए नहीं निकलता है। तो मेरा बहुत ही मन था कुछ दोस्तों के साथ कोई पहाड़ पे जाए या कुछ ऐसे टेरेंस पे जाए जहाँ पे फुल एडवेंचर का मज़ा ले सके। तो ऐसा होता नहीं था, तो इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी राइड नहीं हो पा रहा है। तो अभी ईद का टाइम है और घर आना है, तो हमारा जो नदिया मुर्शिदाबाद का जो नदी है, जो बॉर्डर है यार की, तो उसके पूरा लॉकडाउन कर दिया है। तो पूरा फॉरेस्ट जो नदी पर पार होता है पूरा बंद कर दिया गया है। तो एक पानी कम था नदी पे, पर अभी बारिश की वजह से पानी थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने चाहा, मैं जानबूझ के मैं नदी वो नदी को क्रॉस किया, तो मुझे लग रहा था मैं हो जाएगा, पर पानी बहुत ही ज़्यादा था। तो पूरा मेरा इतना तक आ गया था पानी, इतना हाइट तक। तो जैसे तैसे के मैं पार किया, पर लास्ट टाइम पे मैं अगर थोड़ा लेफ्ट लेता तो अच्छा होता। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं कैसे क्या हुआ और उसके बाद बाइक को क्या किया नहीं किया, पूरा चलिए देखते हैं। आ गया था, पर यहाँ पे थोड़ा अगर लेफ्ट ले लेता तो इस एरो के ऊपर से आ जाता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होता, वो आराम से आ जाता मैं देखा। तो इसके बाद बहुत कष्ट करके मैंने स्टार्ट करने की कोशिश किया, पर स्टार्ट नहीं हुआ। और मुझे दिक्कत वही हो रहा है कि इंजन में पानी नहीं जाने वाला था, पर लास्ट टाइम में पूरा गाड़ी डूब गया था। तो सीट के नीचे जो मेरा एयर फिल्टर रहता है, जो जिस बाइक के सब बाइक का ही, तो एयर फिल्टर से पानी अंदर गया है, तो मुझे वो बांध के ले जाना पड़ा गैरेज पे। तो चलिए गैरेज पे मिलते हैं। पानी फिर डूब गया था और स्टार्ट बंद हो गया था, जिसके दौरान साइलेंसर से भी बहुत सारे पानी गया अंदर, और अभी स्टार्ट नहीं ले रहा है, किक भी नहीं ले पा रहा है। तो काफ़ी दिक्कत में आ गए, छोटा सा एडवेंचर करने के लिए बहुत दिक्कत में हो गए। तो अभी इसको ऐसे घर ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे मैकेनिक डाक के पूरा खोलना पड़ेगा शायद इंजन को हवा निकालने के लिए। चलिए देखते हैं। तो अभी इंजन ऑयल ड्रेन किया है और पूरा सफ़ेद दिखा रहे हैं, आप लोगों को देख पा रहे हो। तो मैंने कल ही इंजन ऑयल चेंज किया था, अगर पहले वाला इंजन ऑयल था तब तो ठीक होता, पर मेरा पूरा लॉस हो गया। कल ही मैंने नया इंजन ऑयल डाला था, तो पानी जाने से इतना व्हाइट होता है मुझे मालूम नहीं था, तो पूरा व्हाइट हो गया, ये पड़ रहा है इधर से। एयर फिल्टर पे भी पानी गया है, तो आप लोग देख चुके हैं क्या होता है। तो आप लोग कभी ऐसा मत ट्राई करो। एग्जॉस्ट पाइप ऊपर था इसीलिए मैंने कर दिया, क्योंकि लद्दाख जाने के टाइम भी बहुत सारे पास आते हैं, तो मैंने सोचा कुछ ट्राई हो जाएगा, तो मेरा बड़ा ही लॉस हो गया। अभी एक लोकल शॉप में खुला है बाइक को। इंजन ऑयल मेन टाइम भी ड्रेन किया, पुराना इंजन ऑयल डाल के, तो क्या निकल रहा है आप लोग देख पा रहे हो। एयर फिल्टर को भी सुखाने दिया है, एयर फिल्टर धूप में छोड़ दिया हूँ,
आप लोगों ने देखा जे इंजन ऑयल कैसे पूरा वाइट हो गया था, तो इंजन ऑयल मुझे फेंकना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो दिक्कत यही बात है, मैंने लास्ट परसों ही इंजन ऑयल चेंज कर किया था मोथुल का 5100, तो उसका वीडियो भी आएगा। तो वो पूरा इंजन ऑयल मेरा सिर्फ 50 किलोमीटर चलाने के बाद ही फेंक देना पड़ा। अगर पुराना इंजन ऑयल था तो तब मेरा कोई दिक्कत की बात नहीं था। मेरा बाइक का कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक ही प्रॉब्लम हुआ था, पानी अंदर जाने के लिए इंजन ऑयल में पानी मिक्स गया था और उसके दौरान मुझे इंजन ऑयल चेंज करना पड़ा। बस यही है प्रॉब्लम। और एडवेंचर करना चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैं मन से आप लोगों को बोला जो मैंने निजे खुद की मर्जी से किया था, इसीलिए मेरा मोबाइल मैंने भाई को दिया था, मेरा पार्स जो पार्स मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा गिरूंगा नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरा पार्स भी बिक गया था, उसका भी फोटो एक नज़ारा दिखाते आप लोगों को। और पर मेरे मोबाइल सब दे दिया था उन लोगों को वीडियो करने के लिए। तो मैंने कोशिश किया और मैं शायद कभी फिर से वो करूँगा और वो अच्छे से करूँगा। और कुछ एडवेंचर करने के लिए तो एक्सपल्स लिया है, एडवेंचर बाइक लिया है। तो बाकी रोड पे तो बहुत बाइक चलाया है, बहुत किया चलाए हैं। तो मैं इसी सजेस्ट करूँगा, जो लोग एडवेंचर बाइक खरीदते हो तो वो गट्स रखो कि एडवेंचर करो। और एडवेंचर बाइक अगर नहीं खरीदे तो कोई दिक्कत की बात नहीं यार, खरीदा हो तो बस शोकेस मत करो यार, चलाओ कोई एडवेंचर करो। चैलेंज ठोक रहा हूँ मैं ऐसा कुछ मेरा लोकल फ्रेंड्स को, तो जिसको सबसे बुरा लग रहा है, जो लोग हंस रहा है वो लोग को बोल रहा हूँ, तो करो भाई। मैंने किया, मेरा कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेरा अपना गाड़ी में किया। आप लोग कुछ करो, लोड करो, यूट्यूब पे लोड करो, हम लोग देखेंगे, कोई बात नहीं। तो स्टे ट्यून। और गाइज ऐसे बहुत सारे एडवेंचर के बारे में सोच रहा हूँ लॉकडाउन के बाद। कोई जाए ना जाए, अकेला ही जाएंगे, अकेला ही सोलो में एडवेंचर के यही से प्रॉब्लम है। कोई गाड़ी अगर कुछ ख़राब हो जाता है या पंचर हो जाता है तब दिक्कत की बात आता है, इसीलिए मैं एडवेंचर में अगर सोलो के अलावा ग्रुप हो तो अच्छा होता है। तो वैसे ही मैं और एक बंदा को ढूंढ रहा हूँ, कोई अगर एडवेंचर के लिए मेरे साथ जाना चाहता है तो कमेंट करना। और छोटा मोटा जैसे मैसेंजर, माइथन, ये सब पहाड़ में ऊपर में जाएंगे जहाँ पे रोड नहीं है, ऐसे पैदल जाने वाला रोड है, वो सब में एडवेंचर करेंगे। या पत्थर पे वैसे ट्रेल जो रहता है एडवेंचर ट्रेल में, वैसा करेंगे। तो गाइज स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। पूरा मास्टांग नेपाल मास्टांग का रोड लग रहा है। लॉकडाउन पे और कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा?